राज कुंद्रा ने बोला है ये अभी जो मैंने देखा कहीं स्टेटमेंट कि ये फ्यूचर है, पॉर्न जो है लाइव पॉर्न जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, तो वो आदमी इतना पागल नहीं होगा, उसने देखा होगा, उसने रिसर्च किया होगा इंडिया मार्केट कि यहाँ पे ये चलता है। तो हम कैसे ब्लेम करें एक इंसान को? मेरी कहानी घूम फिर के सोच पे आ रही है, समाज पे आ रही है कि समाज को मजा आता है देखने में तो हम देखते हैं। आप मुझे अगर कुछ खाना पेश करेंगे, मुझे पसंद नहीं है मैं खाऊंगा नहीं, बट अगर मुझे खाना पसंद है तो आप रोज रोज खाना बनाएंगे और मैं खाऊंगा। तो राज कुंद्रा ने यहाँ की इस देश की नफ्स को पकड़ लिया कि यहाँ पे ये बिकता है, बंद कमरे में शरीफ लोगों को मजा आता है देखने में, तो उसने किया। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप बात करो पॉस्को एक्ट जो आता है और आईटी एक्ट जो आता है, दे हैव टू बी रियली स्ट्रांग, दे हैव टू बी रियली आई वुड से हीनियस टुवर्ड्स सच पीपल फॉर शोइंग सच थिंग्स। आज भी आप देखो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, जितनी भी सीरीज आती है वहाँ पे सब में गंदगी हो रही है, वो सॉफ्ट पॉर्न की तरह परोसा जा रहा है, तो क्या हो गया? तो इसने भी आज वही दलील दी है कोर्ट में, अगर आप सुनेंगे कि ये वल्गर कंटेंट है, ये पॉर्न नहीं है। अब ये कौन तय करेगा कि वल्गर है पॉर्न? वो कोर्ट करेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे ये कंटेंट क्यों बन रहा है ये आप और मैं तय करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आप और मैं पूछेंगे, ये सोच आप और मैं करेंगे कि ये कंटेंट इतना आसानी से क्यों जा रहा है। कोई भी इंसान डायरेक्टर अगर पैसा लगाता है तो वो सोच के पीछे लगाता है कि यार ये चलता है मार्केट में। तो इंडिया अगेन इज सपोज टू बी अ वेरी रिग्रेसिव सोसाइटी राइट नाउ, जहाँ पे सेक्स बिक रहा है, ड्रग्स बिकता है, ये लोगों को बिकता नहीं है, ये लोगों को आकर्षित भी करता है, जो बच्चे हैं उनको डिवोर्स, इनको सेक्स, इनको ये गंदी गंदी चीज़ें हम बांट रहे हैं, थाली पे सजा के दे रहे हैं। तो आप कैसे चाहोगे बाद में कि इस देश में रेप नहीं हो? आप कैसे सोचोगे इस देश में गंदगी ना हो? आप कैसे बात करोगे इस देश में बाप बेटी के साथ कूल ना बन जाए? सर ये देश जो है आज भी, हम कितने भी आगे बढ़ जाए, ये देश आज भी मर्यादा का ही देश है, जहाँ बाप अपने बेटे से आँख मिला के बात नहीं करता है, वो शर्म है, वो इज्जत है, वो डर नहीं है। तो जिस देश का इतिहास ऐसा रहा है उस देश को आप इस तरह से चेंज करेंगे तो रेपरकशन तो ऐसे ही मिलेंगे। और उसके बाद अगेन हम लोग फॉलो करते क्यों हैं? ये लोग का काम ये है, इनको हमने बनाया है, जब हम वो क्वेश्चन मार्क को रोक देंगे तो क्या पॉन हो क्या साइट हो वो बंद हो जाएगी। तो ये बोथ पे कनेक्शन है, हम एक इंसान को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छा लगता है तो हम देखते हैं, जब अच्छा नहीं लगेगा हम नहीं देखेंगे। रेप के पीछे कोई भी चीज नहीं होती है रिस्पॉन्सिबल सिवाय आपके। मैं आज बोलूं एग्जांपल कि चार लोग यहाँ पे नशे कर रहे हैं, ठीक है, मैं नशे कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी है, तीन दोस्त मुझे बोलेंगे लेकिन आखिरकार मेरी मर्जी में दारू पी रहा हूं। तो रेप के पीछे मेरा ये बोलना कि कोई नेता बोल रहा कि उस लड़की ने कपड़े अच्छे नहीं पहने या मैंने पॉर्न देखा, पॉर्न देखने के बाद आपका दिमाग तो आपका है ना सर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मजबूर करती कि आप सुसाइड कर लो, आप नहीं करते हो तो रेप कैसे करोगे? कुछ चीज़ देख के आप रेप कर दोगे? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। रेप होता है आपकी मानसिकता से, रेप होता है आपके दिमाग से, रेप होता है आपकी हीन भावना से, रेप होता है जब आपको बहुत रिजेक्शन मिला है लोगों से, तो वो जो खुन्नक होती है, जो गुस्सा होता है, वो आप निकालते हो एक बंदी पे जो कि मासूम होती है, जिसको हम रेप का नाम देते हैं। तो रेप के पीछे कोई भी ये चीज़ तो बिल्कुल आती नहीं है, रेप के पीछे आपकी सोच होती है, एक गंदी सोच होती है आपकी। और माँ बाप भी इसमें ब्लेम नहीं करूँगा मैं, कई लोग को मैंने देखा है कोर्ट में जिनके माँ बाप बहुत शरीफ थे, उनके बच्चों ने ये किया, सो वी कांट से कि अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है। क्या होता है एक टाइम के बाद एक इंसान जो होता है वो होता है इंडिविजुअल, उसके माँ बाप को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसकी संगति क्या है, उसकी जर्नी क्या है, वो शाम को कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये ओनर्स जो है उस इंसान को ही हमको देना चाहिए जिसने ये काम किया है। और राज कुंद्रा केस की अगर हम बात करें तो उसमें शिल्पा शेट्टी को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो वो कितने हद तक सही है? सर सही है ना,
जब आप अपने पति को एंडोर्स करते हो, आप उसको प्रमोट करते हो, तो आपको इट कैन बी वन वे। अगर आपको चाहिए है पब्लिसिटी, तो आपको फिर वहाँ पे दूसरे एंड पे गालियाँ खाने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मेरा हस्बैंड जो है सिर्फ अच्छी बातों के लिए रखा है मैंने, आपने उसको सुबह शाम प्रमोट किया है, आपका चलता है जो भी प्लेटफॉर्म में आप जिस तरह प्रमोट करते हो उसको, तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ लाइमलाइट, यू हैव टू टेक द ट्रोल्स। यू कैन नॉट से इट्स नॉट जस्टिफाइड। इस समय आप अपना कार्ड चेंज नहीं करोगे एंड यू कैन भी नहीं, ये क्या हो रहा है, मैं मजबूर हूँ, नहीं। आपने वो ओनस लेना है कि हाँ जो भी है सब सही है। अगर मैं पब्लिक आई में हूँ तो अच्छी बातें भी होगी और ख़राब बातें भी होगी, तो जब खराब बातें होगी तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। यू कैन से कि ये अच्छा नहीं है।